दुमका पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब महाराष्ट्र राज्य के पुणे से हार्डकोर इनामी नक्सली आकाश मुर्मू उर्फ आकाश हांसदा उर्फ साहेब राम हांसदा को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर मारी गई छापेमारी में 1,00,000 का इनामी नक्सली आकाश हांसदा पुलिस की गिरफ्त में आया। इनामी नक्सली आकाश हांसदा पर पाकुड़ एसपी अमरजीत बलियार की हत्या का मामला है। 2014 के लोकसभा चुनाव में ब्लास्टिंग कर पुलिस बल की हत्या करने के साथ साथ संथाल परगना के विभिन्न थाने में कई कांड उसके नाम से दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश द्वारा पुलिस उपाधीक्षक श्री राम सामंत की अध्यक्षता में टीम बनाई गई, जिसके बाद पुलिस ने काफी मुशक्कत के बाद महाराष्ट्र राज्य के पूना से अपने कब्जे में इसे लिया है। हाँ सर, बताइए सर, क्या है पूरा मामला? आज आकाश मुर्मू उर्फ साहेब राम हजदा, ये पूर्व में बहुत सारा केसेस में जो है वांटेड था, वांटेड नक्सली था, और इनके ऊपर 1,00,000 का इनाम घोषित सरकार द्वारा किया गया था। तो इनका सूचना हमको लगातार महाराष्ट्र पुणे में आ रहा था, तो इसके एवज में हम लोग एक स्पेशल टीम डीएसपी साइबर और इंस्पेक्टर काटीकुंड के नेतृत्व में हमने एक स्पेशल टीम गठित किया था, और स्पेशल टीम के द्वारा इनको जो पुणे में ये शेल्टर ले रहे थे तो उनको वहाँ से गिरफ्तार करके ले आया गया। इनके विरुद्ध टोटल 4 केसेस हैं जो इम्पोर्टेंट केसेस है, जैसे कि अमरजीत बलियार सर का जो शहीद हुए थे काटीकुंड थाना अंतर्गत, वो केस है, और जो लोकसभा इलेक्शन 2014 में जो ब्लास्ट हुआ था पलासी गांव में, वहां पर जो शहीद हुए थे 8 की संख्या में पोलिंग पर्सनल प्लस पुलिस पर्सनल, तो उस कांड में भी ये इनकी संलिप्तता है। इसके अलावा लिट्टीपाड़ा में एक कांड में संलिप्त है। ये वर्ष 2013 से सक्रिय हैं, और इनके स्वीकारोक्ति के बयान के आधार पर हम लोगों ने जो इनका जो भी संलिप्तता अन्य कांडों में है उसका भी और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।